Hello guys, it's Vipikuba, and here I'm going to teach you how to solve this 2 into 2 cube. I'm going to teach you in Hindi. So it is not for beginner, but it's advanced on ORTEGA method. So first of all, हम इसको पहले scramble कर लेते हैं cube को. हमने स्क्रैम्बल कर चुका. अब आपको अगर आपको क्यूब सॉल्व करना इस 2 into 2 को सॉल्व करना नहीं आता तो पहले आप जाके बिगिनर मेथड सीख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा इसके लिए आपको एल्गोरिदम याद करना पड़ेगा. उसके लिए सिर्फ बिगिनर के लिए सिर्फ 2-3 4 एल्गोरिदम से हो जाता है. इसके लिए आपको 10-11 एल्गोरिदम याद करने पड़ेंगे. सो इसी के लिए पहले आप उसको सीख लीजिएगा. सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लेयर बनाते हैं. हमारा फर्स्ट लेयर बन गया. सो इसमें आपको ये तो पता होगा कि क्यों सीएफओपी मेथड सॉल्व करने में ओएलएल और पीएलएल आता है. सो इसी तरह इसमें भी ओएलएल और पीएलएल करना है. सो इस 2 into 2 में 7 ओएलएल केसेस रहते हैं. सो हमारे ये पहला ओएलएल केस आ गया, तो इसका फॉर्मूला है. अगर ये आपका केस आता है सो इस का फॉर्मूला है, इसको इधर रखिएगा, ये आगे और ये इधर, और कीजिएगा फ्रंट और मैक्सिमम दैट्स राइट इनवर्टेड अप इनवर्टेड फ्रंट इनवर्टेड, जिससे कि हमारा ओएलएल हो गया पूरा. सो अब मैं दूसरा केस ला. सो अब ये हमारा सेकेंड केस है. जब ये दोनों पीछे रहता है, इस साइड रहता है, अपोजिट साइड रहते हैं दोनों, दो साइड्स के पीसेस अपोजिट में रहते हैं. जब ये दोनों आगे है, ये दोनों पीछे, तो इसका मैं आपको दो एल्गोरिदम बता दूंगा. सो फर्स्ट एल्गोरिदम, इसको फ्रंट में रखिएगा और एक पीछे रखिएगा, और कीजिए राइट टू ओके. और हमारा दूसरा एल्गोरिदम, इसको इस तरह रखेगा और कीजिए फ्रंट राइट अप राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड राइट अप राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड राइट अप राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड फ्रंट इन्वर्टेड, जो सेक्शन मूव्स 3 times. एक बार और बता देता हूँ, इसको फ्रंट और इसको बैक, और 3 बार सेक्शन मूव्स फ्रंट राइट अप इनवर्टेड अप इनवर्टेड राइट अप राइट इनवर्टेड अप इनवर्टेड राइट अप राइट इनवर्टेड अप इनवर्टेड फ्रंट इनवर्टेड. सो फर्स्ट में ये होगा, सो अब हमारा ये दूसरा केस आ गया. इसको इधर ये इधर फ्रंट राइट अप राइट इनवर्टेड अप इनवर्टेड फ्रंट इनवर्टेड, मैंने इसका आपको बता दिया था. और जब ये केस आता है, जब ये ऊपर का दो कॉर्नर पीस बना रहता है, इसमें सिर्फ कॉर्नर पीस ही रहते हैं, जब ये बना रहता है और ये अपोजिट साइड रहता है ये दोनों पीसेस, तब इसका फॉर्मूला है राइट अप राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड राइट इन्वर्टेड फ्रंट राइट फ्रंट इन्वर्टेड ओके. एक बार और बता देता हूँ, ये आगे इसको रखे, इसको इधर राइट इन्वर्टेड फ्रंट राइट फ्रंट इन्वर्टेड. और अगर ये केस आता है तो इस केस का ये एल्गोरिथम है, जब दो को इधर बन रहता है और ये दोनों अपोजिट अलग अलग ही जगह रहता है, तब इसको आगे में रखिएगा, ये लेफ्ट साइड और ये राइट वाले नहीं लेफ्ट साइड को, और इसके लिए कीजिएगा एल्गोरिथम फ्रंट राइट अप इन्वर्टेड राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड राइट अप राइट इन्वर्टेड फ्रंट इन्वर्टेड. इसका मैं बताया था. एक बार और, फ्रंट राइट अप इन्वर्टेड राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड राइट अप राइट इन्वर्टेड फ्रंट इन्वर्टेड.
हाँ, और जब ये केस आता है, जब ये एक कॉर्नर पीस बना रहता है और इधर का सब नहीं बना रहता है, तब जब इसका दो केस रहता है, इस जिसमें एक कॉर्नर बना रहता है और नहीं इधर का, ये जब ये राइट साइड का इधर रहता है और ये इधर रहता है, तब इसका फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला। देखिए इसमें भी सेम, ये इधर है और ये इधर, तो सेम इसका भी, ये राइट अप राइट इन्वर्टेड अप राइट अप टू राइट इन्वर्टेड, उसी प्रकार इसका भी राइट अप राइट इन्वर्टेड अप राइट अप टू राइट इन्वर्टेड। और जब ये केस आता है, जब ये बना एक कॉर्नर पीस रहता है, और देखिए उस केस में हमारा ये इधर था और इस केस में हमारा ये पीस इधर है, कॉर्नर पीस साइड ये इधर रहता है। देखिए इसमें भी सेम है, ये दोनों इधर उधर, तब इसका एल्गोरिथम है इसको इधर रख के, इसको पीछे रख के, ये बना वालों को इधर, इसको इसको पीछे रख के राइट अप टू राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड राइट अप इन्वर्टेड राइट इन्वर्टेड, उसी प्रकार सेम राइट अप टू राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड राइट अप इन्वर्टेड राइट इन्वर्टेड। सो हमने 7 ओएलएल केसेस बना लिए। अब मैं आपको पीएलएल कैसे बना पीएलएल केसेस बताता हूँ। सो पीएलएल में ही बस दो केसेस आता है, एक ऐसा केस आता है जिसमें ये दो पीस सही जगह पे रहता है अपना कॉर्नर पीस, और दो कॉर्नर पीस गलत जगह पे रहता है, ये इसमें के लिए। इसमें भी देखिए ये दो कॉर्नर पीस सही जगह पे है, ये दो फ्रंट का, ये दोनों इसमें भी, और इसमें ये दोनों गलत जगह पे है, ये इधर जाएगा और ये इधर, और इसमें भी ये इधर जाएगा ये इधर। सो इसका मैं आपको दो एल्गोरिदम बता देता हूँ, आपको जो इजी लगे वो कीजिएगा। इसका राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड, ये इसको टी पंक बोलते हैं, राइट अप राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड राइट इन्वर्टेड फ्रंट राइट टू अप इन्वर्टेड राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड राइट अप राइट इन्वर्टेड फ्रंट इन्वर्टेड। सो इसमें बताता हूँ, राइट अप राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड राइट इन्वर्टेड फ्रंट राइट टू अप इन्वर्टेड राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड राइट अप राइट इन्वर्टेड फ्रंट इन्वर्टेड। और ये सेकेंड फॉर्मूला उसी केस का, जब ये दो कॉर्नर पीस सही जगह पे रखता है ये, और इसमें भी देखिए ये दोनों कॉर्नर पीस अपने सही जगह पे है और ये दोनों अपोजिट अपोजिट में है, तब इसका फॉर्मूला है इसको पीछे रखिएगा, और इसमें भी इसको पीछे रखिए और पीछे राइट इन्वर्टेड फ्रंट राइट इन्वर्टेड बैक टू राइट फ्रंट इन्वर्टेड बैक टू राइट टू, और इसमें भी पीछे इसको राइट इन्वर्टेड फ्रंट राइट इन्वर्टेड बैक टू राइट फ्रंट इन्वर्टेड बैक टू राइट टू। सो अब दूसरा केस बता देता हूँ, सो ये ओएलएल का लास्ट केस है। तो अगर ये रहता है, जब उसमें हमने देखा था कि दो कॉर्नर पीस अपनी सही जगह पे था, और इसमें देखिए सभी कॉर्नर पीस अपोजिट डायरेक्शन है, वर्टिकली अपोजिट में, ये देखिए ये अपोजिट और ये अपोजिट, ये थे, और इसमें भी देखिए ये दोनों अपनी जगह पे है और ये दोनों अपोजिट जगह पे है, तो इसका फॉर्मूला रहता है इसको फ्रंट रख के, इसमें सेम इसके जैसा फ्रंट रख के, फ्रंट राइट अप इन्वर्टेड राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड राइट अप राइट इन्वर्टेड फ्रंट इन्वर्टेड राइट अप राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड राइट इन्वर्टेड फ्रंट राइट फ्रंट इन्वर्टेड। ओएलएल का एल्गोरिथम थोड़ा बड़ा ही रहता है, इसलिए थोड़ा देखिएगा, फ्रंट राइट अप इन्वर्टेड राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड अप राइट इन्वर्टेड फ्रंट इन्वर्टेड, ये केस आया था हमारे ओएलएल में,
सो इसका था राइट अप राइट इनवर्टेड अप इनवर्टेड राइट इनवर्टेड फ्रंट राइट फ्रंट इनवर्टेड। सो इसी तरह आप 22 सॉल्व करना सीख चुके होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप दोबारा देखिएगा, सिर्फ गेस का फर्क रहता है, एल्गोरिथम देख लीजिएगा। तो फिर मैं यहाँ एक वक्त इस 22 को सॉल्व करके दिखा